हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत एक अच्छी सी रेमेडी, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है वो कोरोना का समय चल रहा है, तो हैंड वॉश वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक गिलास हमने ले लिया पानी, और इस तरह के जो हमारे साबुन के टुकड़े बच जाते हैं तो वो भी हम यूज़ कर लेंगे। और एक हमने ले लिया साबुन। साबुन आपको जो भी साबुन चाहिए साबुन ले सकते हैं, जो भी खुशबू, जिसकी भी खुशबू आपको अच्छी लगे वो साबुन ले सकते हैं। तो इनको हम नाइफ़ की सहायता से कट करेंगे, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, तो इसको हम पूरा तरह से कट करेंगे, उसके बाद में मिलते हैं आकर के। ये देखिए, इस तरह से कट रहा है, बहुत इजीली कट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आकर। ये देखिए, सारा कट करके रख लिया है हमने। तो हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है अच्छे से, इसमें हम अपना सारा का सारा साबुन इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि साबुन भी मेल्ट हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। तो देखिए, इस तरह से चलाते हुए हम अपने साबुन को गला लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, एकदम से बहुत अच्छे से बन करके आएगा। ये देखिएगा गाइस, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और अगर आपको फॉर्मिंग हैंड वॉश नहीं बनाना तो इसी टाइम पर इसको छन्नी से छान कर आप रख सकते हैं। तो देखिए, ठंडा होने पर कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इसी तरह से छान कर आप रख लीजिए, आपका हैंड वॉश बनकर तैयार है। मगर हम बनाएंगे फॉर्मिंग हैंड वॉश, क्योंकि बच्चों को झाग वगैरह बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम झाग वाला बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्सी के जार में हमने अपना कर लिया है, इसको कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए, हमारे जो बर्तन में हमने साबुन बनाया था उसमें काफ़ी सारा साबुन लगा हुआ है, तो 2 लैडल भर करके हम इसमें डालेंगे पानी, और हल्का सा गर्म कर लेंगे, जिससे कि सारा का सारा साबुन छूट करके पानी में आ जाए। और इसको हम इसी ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए गाइस, ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लिया है, तो किस तरह से स्मूथली पेस्ट बनकर तैयार है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप अगर ग्लिसरीन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं, हम नहीं ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें और पानी ऐड करेंगे और इसको फिर से हम फेंट लेंगे। ये देखिए, कितना सारा भर करके तैयार है हमारा हैंड वॉश। तो ये देखिए गाइस, लगभग 2 गिलास पानी और ऐड किया है हमने, तो टोटल मिलाकर हमने 3 गिलास पानी के करीब ऐड किया है। तो आप जैसा गाढ़ा चाहते हैं उसी हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम एक ले लेंगे बोतल, जो कि पंप वाली बोतल है, तो इसमें हम भर करके और अपना रख लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से हम भर, ये देखिए गाइस, वो बोतल में हमने भर लिया है, फिर भी हमारा इतना सारा बच गया है, तो इसको अलग बोतल में भर कर रख लेंगे। तो चलिए, चलते हैं सिंक की तरफ। ये देखिए गाइस, हमने इसमें भर करके रख लिया अपनी बोतल में। तो ये देखिए, इतना बन गया है, और ये 2 लीटर की बोतल है हमारी, तो ये भी हाफ भर गई है हमारी। तो देख सकते हैं 10 रुपये के साबुन से कितना सारा हैंड वॉश बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए, दिखाते हैं यूज़ करके इसको कि ये कैसे बना हुआ है। तो ये देखिए, और ये साबुन ऐसा है ना, हैंड वॉश वगैरह, कि आपको टच भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसको पंप करके निकालना है और अच्छे से बन करके तैयार है। तो ये देख सकते हैं इसका कितने अच्छे से फॉर्म बन करके आई है, इतना यम्मी, इतना ज़्यादा अच्छा है कि फटाफट हाथ में लगाइए और अच्छे से धुल लीजिए। किसी के टच करने वाला साबुन नहीं टच करना पड़ेगा, और बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका झाग देख सकते हैं, इसकी फॉर्म देख सकते हैं, कितना अच्छे से आया हुआ है। तो गाइज, अगर हमारी ये रेसिपी या ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को और कौन सी रेसिपीज़ चाहिए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वही रेसिपी ले करके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।